हेलो जी, नमस्ते दोस्तों। दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो होने जा रही है एक विशेष प्रकार के कंद के ऊपर, जिसको हम जानते हैं वाराही कंद के नाम से, ईयर पोटैटो के नाम से, और हम लोगों की भाषा में गेंठी या गेंठी के नाम से। तो बहुत सारे लोग आप में से इसको जानते भी होंगे और कई सारे लोग नहीं भी जानते होंगे, इसलिए इस छोटी सी वीडियो को पूरा देख लें। और तो दोस्तों सबसे पहले तो गेंठी की बेल मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ इस तरह से होती हैं। ये गेंठी की बेल है और ये इसकी पत्तियां हैं इस तरह की, और ये बेल ऐसे गई हैं ऊपर। और अब इसके मैं आपको फल दिखाता हूँ। तो गेंठी के फल देखिए इस तरह से लगते हैं, इसके तने पर ही, बेल की तने पर इस तरह से। इसी कारण इसको ईयर पोटैटो भी कहा जाता है, ठीक है ना, इसी को ईयर पोटैटो कहा जाता है। और ये पोटैटो की तरह, आलू की तरह हम इसको यूज़ करते हैं सब्जी में। तो ऐसे होते इसके फल। और अभी मैं इस पर बहुत सारे फल लगे हुए हैं गेंठी के, तो मैं उनको तोड़ूंगा और देखते हैं कितने हैं। और उससे पहले मैं आपको इसका फूल दिखा लेता हूँ। तो कुछ इस तरह से इसके फूल लगते हैं इस पर। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से इसके फ्लावर्स होते हैं, इसके फूल लगते हैं इस पर इस तरह के। इसके अलावा दोस्तों इसकी जो जड़ होती है उसमें भी एक कंद होता है, और जिस पर बहुत सारे रेशे रेशे होते हैं। तो चलिए दोस्तों आप थोड़ा तोड़ते हैं इनको, निकालते हैं बेल से, देखते हैं कितने हैं। तो ये देखिए जो छोटे छोटे हैं इनको तो नहीं तोड़ूंगा मैं, जो ये बड़े बड़े से हैं इनको तोड़ूंगा। ये काफ़ी सारे हैं और कुछ ऊपर भी हैं उधर, तो उधर दूसरे रास्ते से मुझको ऊपर जाना पड़ेगा, तो वहाँ से भी मैं निकालूंगा। पहले यहाँ के निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों ये रहे, मैंने कुछ इतने निकाल दिए हैं और अभी थोड़े और निकालूंगा। दोस्तों यही होता है ईयर पोटैटो, गेंठी या वाराही कंद, और स्वाद भी इसका थोड़ा बहुत आलू के जैसे ही मिलता जुलता है। तो इसको आलू की जगह पर भी हम यूज़ कर सकते हैं। और बाकी ये काफ़ी ज़्यादा पौष्टिक भी होता है, ताकतवर होता है ये, और काफ़ी बीमारियों में भी काम आता है, मधुमेह के रोगियों के लिए भी अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों वैसे ये बहुत सारे होते थे हमारे यहाँ, काफ़ी होते थे, जगह जगह पर इसकी बेलें पाई जाती थी। मगर क्या हुआ कि जब से हमारे यहाँ जंगली सुअरों का आतंक बढ़ा है, जंगली सुअर बहुत ज़्यादा होने लग गए हमारे यहाँ, तो तब से ये भी दुर्लभ होते गए, क्योंकि जंगली सुअर इनको नष्ट कर देता है, इसकी जड़ को खोदकर उसी को खा देता है। जो मैंने बताया जड़ में भी होता है इसका, पाया जाता है इसका कंद, उस पर ऐसे ही होता है मगर उस पर रेसे रेसे होते हैं, तो उसी को खा जाता है और सारी बेलें ही नहीं उगती फिर। तो अभी जो बेलें आप यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारे सगोड़े में है, तो यहाँ हमने अच्छे से बाड़ वगैरह कर देते हैं खेत में अच्छे से सुअर के लिए, जंगली जानवर के लिए, तो यहाँ तक नहीं आ पाता, इसलिए ये थोड़ी बहुत बेलें अब बची हुई है, नहीं तो ये बाकी खेतों में भी पाया जाता था गांव के आसपास कहीं भी। तो दोस्तों अब चलते हैं ऊपर वाले खेत में, वहाँ पर भी थोड़े बहुत हैं, वहाँ के निकालते हैं। और बाकी आपको यहाँ और भी क्या क्या साग सब्जियाँ, अगर आपने इसका मैंने वीडियो बना रखा है, आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उसको भी देख लीजिए कि और आजकल क्या क्या सब्जियाँ हो रखी हैं हमारे सगोड़ों में, पहाड़ी साग सब्जी और क्या क्या लगी हुई हैं, तो उस वीडियो को भी देख लें। तो दोस्तों देखिए ये हैं वो बेल, और ये भी वहीं से आई हैं, ठीक है, वहीं से ये बेल आई हैं, वही वाली बेल हैं, और ये यहाँ से होते हुए ऊपर आ गई। तो कुछ इस तरह से हैं ये, और इस पर देखिए इतने सारे लगे हुए हैं, ये अभी वैसे छोटे हैं, इनको नहीं तोड़ने वाला हूँ मैं। तो कुछ इस तरह से लगे हैं ये यहाँ पर भी, और ये अभी छोटे छोटे हैं, इनको नहीं तोड़ूंगा। और देखिए दोस्तों यहाँ पर ये कपड़े टांगने की क्लिप्स, ये भी यहीं पर रह गई हैं, और ये इसी में जकड़ गई हैं, देखिए ये काम नहीं आई, ऐसे ही रह गई, यहाँ छूट गई। तो सर्दियों में क्या होता है, हम यहाँ भी कपड़े डाल लेते हैं, सर्दियों में धूप कम रहती है, तो उसी की रस्सी है और इसी में बेल आ गई। तो दोस्तों यही है कुछ गेंठी, इतनी कलेक्ट की मैंने, लगभग 1 किलो के आसपास तो हैं ये। तो दोस्तों आज की इस छोटी सी वीडियो को करते हैं बस इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपना लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।